हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें क्या दिया हुआ है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी द बेस ए बी इज प्रोड्यूस्ड बोथ वेज इन पी एंड क्यू सच डैट ए पी इंटू बी क्यू इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है तो ये ए सी और बी सी इक्वल हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं गिवन में ए बी, सॉरी ए बी नहीं, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये दिया हुआ है। द बेस ए बी इज प्रोड्यूस्ड बोथ वेज इन पी एंड क्यू सच डैट, बेस ए बी को बोथ साइड प्रोड्यूस कर दिए, पी और क्यू एक्सटेंड कर दिए आगे, सच डैट ए पी इंटू बी क्यू, ए पी इंटू बी क्यू इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन, ए पी इंटू बी क्यू इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। और हमें प्रूव करके क्या दिखाना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए सी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी क्यू, ए सी पी ये ट्राइंगल इज सिमिलर टू बी सी क्यू, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टार्ट करने से पहले ये बताते हैं कि जो प्रूव करने दिया हुआ हमें ये गलत है, ठीक है। अगर ये गिवन इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हम प्रूव करें तो ये कभी प्रूव नहीं हो पाएगा, या तो मिसप्रिंट है या कुछ भी, जो भी गलती है। यहाँ पे जो ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है ये बी सी क्यू नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा देखते हैं, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा ये, कि ये चीज़ हमें प्रूव करना है। सपोज अगर ये इन्फॉर्मेशन दिया रहता कि ट्राइंगल ए सी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी क्यू है, यहाँ तो इस केस में हमें ये प्रूव करके दिखाना है। मान लेते हैं कि अगर ये दिया हुआ रहता कि ट्राइंगल ए सी पी और ट्राइंगल बी सी क्यू सिमिलर है, तब हम लोग क्या लिख सकते थे, साइड को प्रोपोर्शनल करके ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू पहला और आखिरी लेटर ए पी अपॉन बी क्यू इक्वल टू सी पी अपॉन सी क्यू, ठीक है। अगर ये गिवन रहता तो हम लोग ऐसे लिख सकते थे। तो उल्टा इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, अगर हम लोग किसी तरीके से ये चीज़ प्रूव कर दें तो ये ट्राइंगल क्या होगा, ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से क्या निकल के आ रहा है, अगर हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, ए पी इंटू बी क्यू इक्वल टू दिया हुआ है ए सी स्क्वायर, तो हम इसको लिखते हैं, मान लो ए पी यहाँ रख लिए, ए सी को नीचे ले आए, यहाँ पर दो बार ए सी है, एक ए सी यहाँ नीचे आ गया, एक ए सी यहीं ऊपर रहेगा, और ये जो बी क्यू इधर में था वो बी क्यू आ गया नीचे, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए सी और बी सी आपस में बराबर है, तो ए सी को दो जगह ए सी है, किसी एक जगह हम ए सी को रिप्लेस करके बी सी लिख सकते हैं, यहाँ तो हम या तो यहाँ लिख लें या यहाँ लिख लें, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, इसके हिसाब से जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से क्या आ रहा है, ए पी, ए पी जो है वो इस वाले ट्राइंगल का साइड है, तो हम लोग जब सिमिलर दिखाते हैं साइड को प्रोपोर्शनल करके लिखते हैं, तो न्यूमरेटर में एक ट्राइंगल का साइड लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में दूसरे ट्राइंगल का साइड लिखते हैं, ठीक है। तुम कहीं भी एक एसी को अगर बीसी से रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा ए पी अपॉन बीसी, और इसको एसी रहने देंगे, और या फिर चाहते तो यहाँ भी एसी की जगह हम बीसी लिख सकते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ए पी अपॉन बीसी, ए पी आ गया इस वाले ट्राइंगल का अपॉन बीसी, बी सी इस वाले ट्राइंगल का आ गया इक्वल टू ए सी, ये हो गया ए सी अपॉन बी क्यू, ठीक है। क्या हो रहा है, ए पी के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, बी सी आ रहा है, ए पी ये इसको नाम दे देते ट्राइंगल वन और ये ट्राइंगल टू, चाहे फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकेंड ट्राइंगल, तो ए पी के नीचे क्या आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल का साइड बी सी आ रहा है, और ए सी के नीचे क्या आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल का साइड ए सी, और उसके नीचे आ रहा है इस वाले ट्राइंगल का साइड बी क्यू। ए पी मतलब ए पी जो है वो बी सी के प्रोपोर्शनल है, और जो ए सी है वो बी क्यू के प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा ज़्यादा हम इस ए सी को अगर नीचे भी लिख लें तो ए पी के नीचे अगर हम ए सी को ले आएँ तो बी सी ऊपर चला जाएगा, बी सी अपॉन बी क्यू। अब क्या हुआ, ए पी और ए सी दोनों सेम ट्राइंगल का साइड हो गया, ए पी और ए सी और बी सी और बी क्यू, बी सी ये हुआ और बी क्यू ये, मतलब इधर से क्या हो रहा है, ए पी अपॉन ए सी इक्वल टू बी सी अपॉन बी क्यू, ये हो रहा है। और अगर इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो क्या होना चाहिए, ए पी अपॉन बी ए सी अपॉन बी सी, ए पी के नीचे क्या आना चाहिए, बी क्यू, ए पी के नीचे बी क्यू आना चाहिए, या अगर हम सिर्फ इतना दूर लें
क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं तो या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, या फिर इस BQ को अगर हम ऊपर ले जाएं, BQ अपॉन BC इक्वल टू AP अपॉन AC, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को अगर सिमिलर प्रूव होना है तो ये कंडीशन पूरा होना होगा। तो AP अपॉन AC, AP अपॉन AC इक्वल टू BQ अपॉन BC, और यहाँ पे क्या आ रहा है, BC अपॉन BQ। गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्या आ रहा है, AP अपॉन AC इक्वल टू BC अपॉन BQ, और जो दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है तो क्या होना चाहिए, AP अपॉन AC इक्वल टू BQ अपॉन BC, लेकिन गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आ रहा है BC अपॉन BQ। तो जो हमें प्रूव करके लाना है ना, यहाँ पे ये स्पेलिंग का मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये BCQ नहीं होगा, ठीक है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी के हिसाब से चलते हैं, क्या हो रहा है, ये जो गिवन है AP इनटू BQ इक्वल टू AC स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर लिए, ये आ गया AP अपॉन AC, AP अपॉन AC इक्वल टू BC अपॉन BQ, मतलब दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू, ये आ रहा है AP अपॉन BC, AP अपॉन BC इक्वल टू AC अपॉन BQ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो जो AP है वो BC के प्रोपोर्शनल है, अच्छा ये हो गया, दो साइड हो गया। और अगर हम यहाँ नंबरिंग कर लें 1, 2, 3, 4, तो 1+2 मिला के इसको 1 नंबर 1 दे के छोड़ देते हैं। ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये भी लीनियर पेयर, दोनों जगह ये हो गया लीनियर पेयर की वजह से। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो अब यहाँ पे क्या, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये AC और BC इक्वल दिया हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो 2 और 3 को हम यहाँ से काट के हटा देंगे, तो क्या बच गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और इसको हम नाम दे देते हैं, इस वाले ट्रायंगल का जो एंगल 1 है वो इस वाले ट्रायंगल के एंगल 4 के बराबर है, इसको नाम दे देते हैं 2 नंबर, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 कौन सा दो ट्राइंगल सिमिलर हो पा रहा है, ए सी पी, पहले वाले ट्राइंगल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, तो जो प्रूव करने बोला है वही नाम लेते हैं, ए सी पी फ्रॉम 1 and 2 ट्राइंगल ए सी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी क्यू, नहीं आएगा वहां पे, ठीक है, बी सी क्यू नहीं होगा, क्यों, बी सी क्यू होने के लिए क्या है, जैसे इसका पहला दो लेटर क्या है, AC हमने लिखा है पहले वाले ट्रायंगल का, तो AC किसके प्रोपोर्शनल है, AC BQ के प्रोपोर्शनल है, तो पहला दो लेटर क्या हो जाएगा इसका, BQ, तो जब BQ हो गया तो अब तीसरा लेटर बचा C, ठीक है। तो ट्रायंगल ACP सिमिलर टू ट्रायंगल BQC, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है BCQ, तो ये बाय मिस्टेक हो सकता है, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया हो, ठीक है, तो ये कन्फर्म है 100%। तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा बाई SAS सिमिलरिटी, ठीक है।